दोस्तों मैं जोशी मठ पहुँच चुका हूँ अभी। ये देखिए सुनी को अभिषेक राज अभी नरसिंह मंदिर में जा रहा है। मैं लेट पहुँचा इसीलिए अब जा रहा हूँ मैं मंदिर में, तो थाली चढ़ाऊँगा लगभग ऐसे ही होगा। एक अब ज़्यादा क्या करना, गोपीनाथ में भी चढ़ा दिया था जिसको कि मैंने स्कूटी में भी वही लिखाया था। स्कूटी में मैंने जय नरसिंह स्वामी लिखाया था, पर इस बाइक पर भी लिखाऊँगा एक जगह पर। तो जाऊँगा ज़रा थोड़ी एक चुन्नी चढ़ा के आऊँगा, मिलता है फिर मंदिर। हम रोड पे पहुंच चुके हैं और हम भगवान नरसिंह भगवान के दर्शन करने जाएंगे। गाड़ी की थोड़ी पूजा भी होनी है क्योंकि मैंने कर ली थी पूजा, मन नहीं मान रहा है मेरा अभी क्योंकि जाना बद्रीनाथ था पर नहीं जा पाया क्योंकि नरसिंह मंदिर का साइड है ये जोशी मठ। बोलियो सुहाना मौसम। ये हाथी पहाड़ है सामने, देख रहे होंगे आप, और ये ऊपर स्वीट लेडी पहाड़ है क्योंकि बादल लग चुका है, अभी साफ नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। तो यहाँ पर यह त्रेश जोशी मठ का मौसम भी बहुत गजब है। चलो मिलता हूँ। बोल पवन सुत हनुमान की जय। भगवान हमारे दिलों में बसे हुए और प्रसिद्ध नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गई हमारी।
तो देखिए कितना बड़ा प्रांगण भी है हमारे नरसिंह मंदिर। ये देखिए आपको पूरा लोकेशन बताता हूँ मैं नरसिंह भगवान का। यह जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मुख्य पुजारी चलता है। जो आपने ये दिन सुना भी होगा यहाँ पर कि त्रिमुण्य कौथिक यहाँ पर चलता है वीर त्रिमुण्य वीर, जो कि कच्चा बकरा भगवान नरसिंह भगवान ऐसा बकरा हो जाता है कच्चा, काफ़ी पूजा पाठ हो चुका है तो हमारा भी चलता है यहाँ से। लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, इसी के लिए धन्यवाद। और जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।